इस साल अगर आप इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी पर वीकेंड में कहीं घूमने के मूड में हैं, तो अब भी देर नहीं हुई है। इस बार का इंडिपेंडेंस डे हो सकता है आपके लिए यादगार भी हो जाए, क्योंकि इस बार ट्रैवल कंपनियां पिछले साल के मुकाबले काफी सस्ते पैकेज लेकर आई हैं। 15 अगस्त की छुट्टी पर कहीं बाहर जाना चाहते हैं पर होटल और ट्रैवल टिकट बुक नहीं करवाई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस साल इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर होटलों में कोई मारामारी नहीं नजर आ रही। बढ़ती महंगाई से पर्यटन उद्योग की हालत खराब है और ट्रैवल कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए कई आकर्षक पैकेज ऑफर कर रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रैवल कंपनियां तो दावा कर रही हैं कि वो महज 24 घंटे के पहले ही बुकिंग करवा देंगी। एरिया जैसे बैंकॉक, सिंगापुर, श्रीलंका वगैरह है या साउथ ऑफ इंडिया है, तो देयर इज अ ग्रेट रश, जिसकी वजह से खूब जो भी हैं, कोई आखिरी मिनट पे भी लोग जाग रहे हैं कि भाई चलिए हम वो कहीं जो कॉर्बेट पार्क निकल जाएं या कहीं बैंकॉक चले जाएं या त्रिवेंद्रम की तरफ निकल जाएं। ट्रैवल कंपनियां गोवा, जयपुर, मनाली, बैंकॉक, सिंगापुर के लिए खास पैकेजेस दे रही हैं, जिसमें रहने खाने के अलावा आने जाने का खर्च भी शामिल है। शिमला में 3 रात 4 दिन के वीकेंड के लिए आपको करीब 10,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं मनाली में इतनी लंबी छुट्टी के लिए आपका खर्च होगा करीब 20,000 रुपए। और अगर आप छुट्टियों में किसी एडवेंचरस प्लेस में घूमना चाहते हैं तो जिम कॉर्बेट पार्क जैसी जगह के लिए आपको करीब 18,000 रुपए देने होंगे। इसके अलावा देश के बाहर छुट्टियां बिताने के लिए सिंगापुर पर खर्च आएगा करीब 35,000 रुपए का। वहीं थाईलैंड के पैकेज के लिए आपको खर्च करने होंगे 24,000 रुपए। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि वो विदेश की ऐसी जगहों की बुकिंग ज्यादा कर रही हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। लॉन्ग वीकेंड है तो कई बार लास्ट मिनट पे भी आपको टिकट भी मिल जाएगी और होटल अरेंजमेंट वगैरह हमारा होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीकेंड के लिए हम तैयार रहते हैं, शॉर्ट वीकेंड्स के लिए, खासकर जैसे मैंने बताया ना, थाईलैंड और श्रीलंका, यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है तो यहाँ तो बड़े आराम से हम भेज सकते हैं। नेपाल भी वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, इंडियंस को पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, पर आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। तो ये 3-4 डेस्टिनेशन तो कोई प्रॉब्लम, विद इन इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितनी आसानी से ट्रैवल कंपनियां इस साल पैकेज दे रही हैं, उससे साफ है कि कारोबार में मंदी का माहौल है। बीते साल कई जगहों पर हफ्ते भर पहले होटलों में जगह नहीं मिल पा रही थी, पर इस साल मंदी के चलते ही सही, पर्यटकों को छुट्टियां प्लान करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लंबे वीकेंड को एंजॉय करने के लिए आप यदि कहीं बाहर जाने का मन बना रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि महज 24 घंटे पहले ही आप अपने मनचाहे पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। बस देर है तो आपके लिए ये तय करने की कि आप कौन सी जगह पर जाना सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। कैमरा पर्सन सुनील बिश के साथ सुजाता, जी बिजनेस, दिल्ली।